वहीं पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब में एक कार्यक्रम के दौरान पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की नीतियों की तारीफ की। ये रिपोर्ट आप देखिए। श्री आनंदपुर साहिब के विरासत ए खालसा के ऑडिटोरियम में पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 41 सहायकों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि भगवंत सिंह मान सरकार राज्य में 36,000 बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां दे चुकी है, हजारों कर्मचारी रेगुलर किए गए हैं और भविष्य में नौजवानों को नौकरियों के बड़े मौके भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इसके चलते अब पंजाब के नौजवान विदेशों की तरफ जाने को कम तरजीह दे रहे हैं। मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार द्वारा राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त साफ सुथरा प्रशासन दिया है। नशे पर नकेल डालने के लिए व्यापक काम किया गया है। नशे के सौदागर जेलों में भेजे गए हैं। अवैध आमदनी से बनाई जायदाद जब्त की जाएगी। आम आदमी पार्टी ने जो वादा चुनाव के दौरान लोगों से किया था, सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान एक एक करके हर वादा पूरा कर रहे हैं। पिछलियां सरकारां दे विच सिर्फ नारे लगते रहे, घर घर रोज़गार दवांगे, पर हकीकत तो बहुत दूर सीगा। तुसी भी देखिया थोड़े पिंड विच, थोड़े मुहल्ले च कदी किसी नूं सरकारी नौकरी नहीं मिली, पर ये सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार है जिन्होंने 36,000 नियुक्ति पत्र हुण तक वंड के नौकरियां ते जा चुके ते हज़ारां दी भर्ती इस वक्त प्रोसैस विच है, मेरे सिक्ख्या महकमे दे विच है। तो ये अंकड़ा हर रोज़ वध रहा, चाहे पुलिस महकमा होवे, चाहे एजुकेशन होवे, चाहे इरीगेशन होवे, चाहे पावर कॉम होवे, हर महकमे दे विच हर लैवल दी भर्ती हो रही है। तो अज इसी तहत 51 जिहड़े है आंगनवाड़ी वर्कर्स, हैल्पर्स, असिस्टेंट्स, उन्होंने अब नियुक्ति पत्र वंडे ने, तो बहुत खुशी हुई। मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को नियुक्ति पत्र बांटने के बाद उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब सेवा की भावना से आप लोग काम करने के लिए जुट जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज़।